सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Vivo V11 Pro के बारे में। ये फ़ोन तो काफ़ी पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग इतनी लेट क्यों कर रहा हूँ या रिव्यू इतना लेट क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। मैंने देखा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है और सभी ने लगभग एक ही बात बोली है कि फ़ोन जो है थोड़ा सा महंगा है, फ़ोन वर्थ इट नहीं है, कॉल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, अगड़म बगड़म पता नहीं दुनिया भर की इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया कि क्यों ना मैं जाके ऑनलाइन खुद देखूँ कि आईफोन सच में इतना कूड़ा है। और तो मैंने ऑनलाइन देखा कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स के जो फ़ोन आते हैं उनके रिव्यूज़ अगर रेटिंग्स की बात करूँ तो 4.5 4.7 की मैं बात करता हूँ। अगर अमेज़न फ्लिपकार्ट पे आप जाते हैं, जितने भी ऑनलाइन अगर मैं बड़ी वेबसाइट्स की बात करता हूँ, तो मैंने ठीक सेम मैंने देखा कि इस फ़ोन के भी लगभग रिव्यूज़ कुछ ऐसे ही हैं कि 4.5 4.7 इस तरीके के रिव्यूज़ वहाँ पर दिए हुए हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें जो लोगों को तो बहुत समझ में आ रही है लेकिन यूट्यूबर्स जो अच्छे टेक यूट्यूबर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रही है? मैं मानता हूँ कि मैं कई ऐसे बड़े ब्रांड हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, जिनकी स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी लो होती है लेकिन प्राइस काफ़ी हाई होता है, उसके बाद उनके वो ब्रांड इतना जबरदस्त है कि उसके फोन मार्केट में अच्छे खासे बिक जाते हैं। और वीवो में ऐसा क्या है कि उसके फोन बिक रहे हैं, इतना सब कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी करने के बाद भी ओप्पो वीवो के फोन काफी बिक रहे हैं मार्केट के अंदर? तो आज डिटेल में हम बात करेंगे इन चीजों के बारे में। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं फटाफट आपको इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, फिर हम काम की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्क्रीन की, तो स्क्रीन साइज जो है वो 6.41 इंचेस का और फुल HD स्क्रीन है। इसमें 19.5:9 का आपको रेशियो मिलता है। AMOLED स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलने वाली है जो कि 2280x1080 का पिक्सल आपको देगी। इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660 जो कि 2.2 GHz की फ्रिक्वेंसी पर चलता है। 6 GB के अंदर आपको रैम मिलने वाली है और 64 GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। डेडिकेटेड SD स्लॉट मिलता है तो आप 256 GB तक उसको बढ़ा सकते हैं। 25 MP का आपको AI सपोर्ट वाला, आपको बुके इफेक्ट देने वाला सेल्फी कैमरा मिलेगा। साथ में आपको 12 MP प्लस 5 MP का आपको 2.0 के अपर्चर के साथ दो रियर कैमरे मिलेंगे। ड्यूल टोन की आपको LED फ्लैश मिलने वाली है जिसके साथ आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 3400 mAh की बैटरी मिलेगी जो आपका एक दिन बड़े आराम से निकाल देगी, और अगर आपका एवरेज यूजर है तो 1.5 दिन तक आपका निकाल देगी। फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलता है, साथ ही आपको 4G वोल्ट का सपोर्ट मिलेगा। फेस अनलॉक का फीचर इसके अंदर मिलता है आपको, IR मतलब लेजर इसके अंदर, तो अच्छे से आपको रात को भी आप बड़े आराम से फेस अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। दोस्तों बात करता हूँ इसके प्राइस की, तो 25,990 रुपये के अंदर ये ऑनलाइन अवेलेबल है, और अगर आप ऑफलाइन स्टोर पे जाते हैं तो आपको कहीं कहीं 24,000 या 25,000 रुपये में भी मिल जाएगा। अगर अच्छी डील रही तो 23,000 की रेंज में भी आपको कहीं कहीं मिल रहा है। तो बात करते हैं डिटेल में इस फ़ोन के बारे में। दोस्तों 6.4 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, लेकिन उसके बाद भी ये फ़ोन हाथ में काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब कि काफ़ी स्टडी फ़ोन है। मैं काफ़ी इसको ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी बड़ा फील देता है 6.4 इंचेस के बाद, क्योंकि बॉडी टू स्क्रीन का जो रेशियो है वो काफ़ी कमाल का इन्होंने बनाया है। अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो चिन तो लगभग ना के बराबर है, और अगर मैं हेड की बात करूँ, ऊपर की बात करूँ, तो इतना ये कम एक वाटर ड्रॉप काइंड ऑफ नॉच है जो कि ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है। अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट पूरा हमारे को बेजललेस स्क्रीन मिलती है, 91.6 बॉडी टू स्क्रीन रेशियो, जो कि अपने आप में कमाल धमाल अपने आप में डिस्प्ले देता है। तो स्क्रीन क्वालिटी तो सुपर AMOLED डिस्प्ले है, तो ज़बरदस्त इसकी डिस्प्ले है। और बैक की अगर बात करता हूँ तो आपको एक बार को लगेगा शायद ये ग्लास का डिस्प्ले है, ग्लास डिस्प्ले नहीं है। हालांकि ड्यूल टोन बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी रिच आपको एक फील देता है। ये पॉलीकार्बोनेट, ये मतलब एक तरह की प्लास्टिक होती है उसका ये एक बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक बुरी बात ये है कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है एक काइंड ऑफ, मतलब कि फिंगरप्रिंट जो है बहुत जल्दी इसमें आ जाता है। शायद इसीलिए जो कंपनी ने इसके साथ ये प्रोटेक्टर आप मान लीजिए वो दिया हुआ है, गार्ड इसके साथ दिया हुआ है। अच्छा, ये गार्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है।
कैमरा तो ऐसा क्या बोलूं, मतलब एक कमाल कैमरा है। स्पेसिफिकेशन के ऊपर आप जाइए या फिर आप 25 मेगापिक्सल की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप पिक्चर जब लेते हैं इससे तो अच्छे अच्छे धुआंदार फ़ोन जो है इसके सामने फेल हो जाते हैं। और कैमरा तो ऑनेस्टली दोस्तों मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कोई मेरे को इसके पैसे नहीं मिले क्योंकि ये पेड रिव्यू तो है नहीं, अपने पैसे से मैंने फ़ोन लिया है और मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एकदम कड़क रिव्यू इसका देने वाला हूँ। तो पिक्चर क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है, स्क्रीन की बात करूँ या फिर मैं कैमरे की बात करूँ। अब बारी आती है इसकी कॉल क्वालिटी, क्योंकि मैंने एक दो रिव्यू ऐसे देखे जिसमें ऐसा लिखा हुआ आया या ऐसा बोला कि कॉल की क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है। दोस्तों इस वक्त मैं एक बहुत बड़े ब्रांड का और दो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और मैं कुछ ऐसी जगह पे हूँ, 7th फ्लोर पे हूँ इस वक्त पे, और यहाँ पर उनकी कॉल ड्रॉप ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो एक यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से जाता हूँ, मैं ये नंबर रेटिंग्स में इतना बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई बार ये जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो होते हैं वो ड्यूल कोर के मुकाबले कम परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और मैंने ये देखा कि स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे को ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमारे को यूज़र इंटरफेस के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आईफोन के अंदर जो है 3 GB की रैम और किसी दूसरे फ़ोन के अंदर 4 GB की रैम, तो हो सकता है आईफोन, हो सकता है क्या, मतलब मैं ऑलमोस्ट आपको बताता हूँ आईफोन की परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेटर लगेगी क्योंकि उसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। तो ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि इसकी कॉल क्वालिटी मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है, तो ये तो मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर देता हूँ कि कॉल क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है। लुक एंड फील इसकी बहुत अच्छी है, अच्छा मेरे को फ़ोन लगा। हाँ अगर आप बात करते हैं कि प्राइस इसका ज़्यादा है, तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊंगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी का बहुत पैसा लगता है। आज अगर बात करते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की, इसे इन्वेंट करने वाला कौन है, वीवो ने ये सबसे पहले लेके आया है और कहीं ना कहीं इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसके काफ़ी पैसे खर्च हुए होंगे। ओप्पो और वीवो के बारे में लगभग ये मशहूर रहता है कि ये कैमरा और म्यूज़िक फ़ोन है, तो ये तो पहले इनकी प्रायोरिटी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इनकी यही रहती है कि कैमरा इनका अच्छा होना चाहिए, म्यूज़िक भी इसका ठीक ठाक है फ़ोन का, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अपने आप में कहीं ना कहीं एक एज देता है आपको, एक प्रीमियम लुक का फ़ोन जो होता है उसका आपको एक फील कराता है, और कहीं ना कहीं आप जब कहीं पर होंगे और आप स्क्रीन पर टच करेंगे उसके बाद ये फिंगरप्रिंट को सेंस करेगा और आपको एक अनलॉक कर देगा, एक काइंड ऑफ मैजिक फीलिंग आती है और बहुत ही आपको एक लग्जरी या आपको एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ फीलिंग आपको मिलती है जब आप इस फ़ोन को यूज़ करते हैं। फेस अनलॉक की अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इवन पता भी नहीं चलता है कि जब आप बटन दबाते हैं तो अपने आप अनलॉक हो जाता है, कभी कभी तो मुझे शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि इट्स टू फास्ट। तो इसको तो मैं दाद दूंगा उनके सॉफ्टवेयर बनाने वालों को, और जिस तरीके का कैमरा है इसका जितनी जल्दी से काम करता है तो कई बार मालूम भी नहीं पड़ता है कि अनलॉक हो चुका है, इंस्टेंटली आप देखते हैं। और मैंने काफ़ी ट्राई करा कि अगर आंखें बंद हो या फिर फ़ोन की तरफ नहीं देखते हैं तो फेल नहीं हुआ है। हाँ फिंगरप्रिंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कभी कभी मिस कर जाता है क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है ना, तो वो इतनी जल्दी से रीड नहीं करता है, बट ये काइंड ऑफ अगर आपका 100 में से एक बारी जो दूसरा फिंगरप्रिंट है वो मिस करता है तो ये 100 में से 4 बारी मिस करता होगा, इतना नहीं है कि 100 में से 20 बारी मिस करेगा, तो इट्स काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। अब आने वाला टाइम से हो सकता है कि इसको भी ये इम्प्रूव कर देंगे। दूसरी चीज़ जो मुझे ज़्यादातर रिव्यूज़ में मैंने देखा कि इसमें USB-C पोर्ट नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि USB-C पोर्ट अगर होता तो और भी अच्छी बात हो सकती थी क्योंकि उसके मुकाबले ज़्यादा ये पावरफुल है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल पोर्ट है। और दूसरी बात करते हैं तो हम एक कहीं ना कहीं एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी ये देखती है, जैसे अब मान लीजिए 3.5mm जैक की मैं बात करता हूँ, तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो 3.5mm को अभी हटाने की सोच रहे हैं या फिर हटा चुके हैं या फिर अभी भी मजबूरी में देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया के अंदर 3.5mm जैक की कितनी इंपॉर्टेंस है। उनको मालूम है कि लगभग 99% जो हेडफोन है वो लोग 3.5mm जैक में लगाने वाले हैं, ब्लूटूथ वाले अभी इतने ज़्यादा नहीं इंडिया के अंदर कामयाब हुए हैं। तो उसी तरीके से मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी जैसे बनाते टाइम सोचती है कि एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ चार्जर होता है, जैसे नॉर्मल USB चार्जर है वो हर जगह पे अवेलेबल होता है, लेकिन टाइप सी चार्जर जो है वो जैसे आईफोन वाले अपना चार्जर लेके घूमते हैं ना, तो USB टाइप सी वाला भी अपना चार्जर लेके घूमते हैं, ईजिली उनको वो चार्जर अवेलेबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये जो चार्जर है वो लगभग हर जगह पे अवेलेबल है और फास्ट चार्जिंग तो इसके अंदर है ही, लगभग 1.5 घंटे में आपका फ़ोन पूरा चार्ज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हाँ ये एक तरीके से एक यूनिवर्सल अप्रोच को देखा जाता है कि हाँ ये चार्जर हर जगह अवेलेबल है तो क्यों ना इसका यूज़ कर लिया जाए, और 3.5mm जैक तो इसके अंदर है ही। अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि 2 SIM लगाने के बाद इसमें अलग से आप डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है तो उसके अंदर आप कार्ड लगा सकते हैं और 256 GB तक इसको आप बढ़ा सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात तो रह गई इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, जो फन टच जो इसका OS है, मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि जो फन टच OS है वो कहीं ना कहीं जो iOS से है, मतलब कि आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे काफ़ी इंस्पायर्ड है और काफ़ी एक तरह से कॉपी सी लगता है मुझे। हालांकि मुझे यूज़ करने में तो कोई दिक्कत नहीं आई फन टच का जो OS है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फील दिलाता है कि हाँ कहीं ना कहीं कॉपी टाइप से फीलिंग एक आती है, तो वो मुझे थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड लगता है।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है तो आप एंड्रॉयड का भी मजा ले सकते हैं साथ ही साथ अपने फोन के अंदर एक काइंड ऑफ। अच्छा दूसरा ये कैमरा के अंदर भी उन्होंने काफी सारे फीचर्स ऐसे दिए जो आईफोन जो 10 है उससे मिलते जुलते हैं, और अगर आप फ्रंट कैमरा यूज करते हैं तो स्टूडियो वगैरह आप काफी सारे उसमें फीचर ऐसे यूज कर सकते हैं। जो मुझे इसके कैमरे के अंदर एक और था AR स्टिकर्स करके, तो वो भी मुझे कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं लगा ऑनेस्टली बताऊँ तो। बाकी स्नैपचैट जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके एक अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो आप सॉफ्टवेयर स्टिकर्स जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टिकर्स तो इनके अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन कैमरा की क्वालिटी मानना पड़ेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि मुझे कुछ चीज़ें कैमरा में ओप्पो और वीवो दोनों में ही कुछ खास नहीं अच्छी लगती है, वो ये है कि ये कुछ ज़्यादा ही जब फेस AI की बात करते हैं, क्योंकि फेस AI इसके अंदर एक फीचर है, तो जब आप उसको ऑन करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही पॉलिश्ड सा आपका चेहरा ही कर देता है, और ज़्यादा वाइटनिंग सी और ज़्यादा मतलब ऐसा मतलब पुता हुआ सा थोड़ा चेहरा लगने लग जाता है, तो मुझे वो ओवर लगता है। बट एनी हाउ इंडिया में शायद ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके की फ़ोटोज़ को बहुत पसंद करते हैं और अपना DP लगाना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी काम का ये सॉफ्टवेयर हो सकता है, फिर काफ़ी काम का ये कैमरा फीचर उनके लिए हो सकता है। एनी हाउ अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 660 के साथ अगर 6GB की रैम और 64GB स्टोरेज आती है तो बड़े आराम से आप पबजी गेम खेल सकते हैं, बड़े आराम से आप हैवी गेम्स भी खेल सकते हैं, तो ठीक ठाक मुझे स्मूथ परफॉर्मेंस लगी, परफॉर्मेंस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं कैमरे की अगर मैं बात कर रहा तो मैं भूल ना जाऊँ, मतलब वीडियो जब आप बना रहे होते हैं तो जो स्टेबलाइजेशन है वो कमाल का नहीं है, कमाल क्या क्या मतलब वो एवरेज भी नहीं है, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो काइंड ऑफ शेकी वीडियो आप इसके अंदर मिलते हैं, तो स्टेबलाइजेशन इसमें नहीं है, EIS या OIS दोनों ही इसके अंदर फीचर नहीं है, तो काइंड ऑफ मतलब वीडियो के अंदर आप इतना जब तक आप कहीं पे ट्राईपोड पे बिल्कुल स्टेबल करके या फिर आप जितना हाथ से स्टेबल कर सकते हैं तब तक आप वीडियो ले सकते हैं, लेकिन मूविंग वीडियो आप इतना इसमें एक्सपेक्ट अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो ये एक प्राइस सेगमेंट की अगर बात करूं तो उसमें ये पोको F1 या ऑनर के प्ले की अगर बात करूं वो इसके कॉम्पिटिशन में आते हैं, लेकिन मैं अपनी बिल्कुल ऑनेस्ट आपको राय दूंगा अगर आप बिल्कुल परफॉर्मेंस के हिसाब से जाना चाहते हैं तो पोको F1 के लिए चले जाइए, वो डेफिनेटली आपको अच्छी कॉन्फ़िगरेशन देता है उस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप थोड़ा सा एक्सक्लूसिव फ़ोन दिखाना चाहते हैं, अगर आपको क्योंकि पोको F1 की जो नॉच है मतलब ऑनेस्टली बताऊं मुझे नहीं पसंद, या फिर उसका बॉडी का जो डिज़ाइन है लुक एंड फील जैसा है वो मुझे खास पसंद नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में, नो डाउट नो ऑफेंस टू पोको F1, वो बहुत अच्छा फ़ोन है, लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस में अगर आपको जाना है तो पोको F1 चले जाइए। ऑनर की अगर बात करूँ तो उसका लुक एंड फील भी ठीक है और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा एक्सक्लूसिव चीज़ें चाहते हैं जैसे मान लीजिए आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको चाहिए या फिर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, परफॉर्मेंस भी ठीक चाहिए, फ़ोन देखने में बहुत अच्छा है, सो ओवरऑल तो मैं तो ये कहूँगा कि 25,990 या मार्केट में 23,000-24,000 तक जहाँ तक भी ये अवेलेबल है, अगर आप इस फ़ोन के लिए जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल इसके लिए ये है कि आप फ़ोन ओवर प्राइज, जो लोग ये बोलते हैं ना ओवर प्राइज्ड है, उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो अभी भी 18-18, 20-20,000 में स्नैपड्रैगन 450 दे रहे हैं, मैं कद्दू फ़ोन है उनके, मतलब कि क्या बात करूँ, बात नहीं करूँगा उसके बारे में। और ये बात है ना, कोई आईफोन से जाके नहीं पूछता है भाई तूने 1,00,000 रुपये का फ़ोन क्यों लॉन्च कर दिया, उसमें भी 3GB रैम है, उसमें भी ये है वो है। अच्छा दूसरी बात ये आईफोन जो है वो एक साल बाद अगर 1,00,000 का लॉन्च हुआ या 70,000 का लॉन्च हुआ, आईफोन 7 के बारे में बात करता हूँ, आईफोन 10 के तो अभी प्राइस ड्रॉप नहीं हुए हैं, सो वो 70,000 का लॉन्च होगा, एक साल बाद 35,000 रुपये का बिकेगा, तब लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुमने तो बहुत पैसे कमा लिए, अरे 35,000 में कौन सा लॉस में बेच रहा होगा, उसके अंदर भी कमा रहा होगा पैसे, तो आईफोन का मार्जिन नहीं दिखता है। लेकिन अगर ये फ़ोन 25,000 में आएगा तो सारी दुनिया को महंगा लगने लग जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, लोगों ने अपना रिसर्च किया है, इन्होंने अपने खुद की बनाई हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली वर्थ इट है, तो आप 25,990 में खरीद सकते हैं, खरीद के मुझे ऐसा कोई पछतावा नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ फ़ोन के अंदर से, और फ़ोन से ना आपको नॉर्मली कुछ काम जो करने होते हैं, गेम खेलना आप खेल सकते हो, फ़ोन करना सुनना आप कर सकते हो, कैमरा ज़बरदस्त है, लुक एंड फील ज़बरदस्त है, नॉच भी बहुत ही छोटी सी नॉच है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और बॉडी बहुत अच्छी फ़ोन है यार, मतलब आप जा सकते हो। ये था मेरा अपना पर्सनल रिव्यू इस फ़ोन के बारे में, आपका अपना हो सकता है, मैं बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख दी है, और परफॉर्मेंस पे जाना चले जाना पोको F1 पे, और ओवरऑल पैकेज चाहिए तो भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और इसी तरीके की वीडियो अगर आपको देखने हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरा नाम है संदीप, मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।